22 जनवरी को देश भर में उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जिसके लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। देश भर में जश्न का माहौल है। राम मंदिर की धूम विदेशों में भी देखने को मिल रही है। इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 22 जनवरी को खास बनाने के लिए हर राज्य कुछ न कुछ खास कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दफ्तरों ने जहां छुट्टी का ऐलान किया है, तो वहीं कुछ राज्यों में मांस और शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। ऐसे में देश भर के लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर 22 जनवरी को देश भर में क्या क्या बंद रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने पूरे देश में सरकारी ऑफिसों में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। इस मामले में सबसे आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। इस दिन सभी सरकारी ऑफिस और सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस मामले में कोई भी बीजेपी शासित राज्य पीछे नहीं रहना चाहता। गोवा राज्य ने भी 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। इसके अलावा हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 22 जनवरी को सभी पशुवध गृह, मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका और नगर परिषद को निर्देश जारी किए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे, जबकि गोवा में सभी कसिनो ने अपनी स्वेच्छा से 22 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपना संचालन बंद रखने का निर्णय लिया है। 22 जनवरी को उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान में हाफ डे की घोषणा की गई है, जबकि 22 जनवरी को हरियाणा के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। उत्तराखंड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी और सरकारी दफ्तर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। इस दिन असम और त्रिपुरा में भी आधे दिन की छुट्टी रहेगी, जबकि देश भर के बैंकों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सभी बीमा कंपनियों और दूसरे वित्तीय संस्थानों में भी हाफ डे रहने वाला है। सभी ग्रामीण बैंकों में भी आधे दिन की छुट्टी घोषणा की गई है। अयोध्या की बात करें तो यूपी के डीजीपी विजय कुमार ने 22 जनवरी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में काफी संख्या में दर्शनार्थी पहले से मौजूद हैं, जो धार्मिक स्थलों, धर्मशालाओं और आश्रमों में रुके हुए हैं। उन धर्मशालाओं और आश्रमों के प्रबंधकों से अनुरोध किया जाए कि सभी श्रद्धालु एक साथ दर्शन करने ना जाएं। 22 जनवरी के बाद क्रम से दर्शन की व्यवस्था की जाए। सभी चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। इंडो नेपाल बॉर्डर, इंटर स्टेट बॉर्डर, अयोध्या और उससे सटे जिलों के बॉर्डर पर गहनता से चेकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित वाहनों की सेवाओं को बाधित न किया जाए। अयोध्या दर्शन के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं से शिष्टतापूर्वक व्यवहार करें। सरयू नदी में सुरक्षा के लिए तैनात जल पुलिस को सक्रिय रखा जाए। बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग में कोई लापरवाही न बरती जाए। संदिग्ध वाहन या व्यक्ति की पूरी तलाशी और पूछताछ की जाए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।